बल्कि आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं स्टडी कराया होगा या खुद भी किया होगा इसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कश्मीरी इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे थे। कैप्टन आ भी लाई है, जा रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो बेसिकली न्यूटनियन मैकेनिक्स की लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए जो मॉडिफिकेशन की है क्लासिकल मैकेनिक्स कि उसमें स्पेशली जब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड या नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, और दूसरा यह है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उनकी वैलिडिटी है, उसके लिए हमने ये देखना है कि जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका जो इवेंट हो रहा है अगर वो मूव कर रहा है नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर हमारी जो मेयरमेंट्स हैं उनके लिए क्या न्यूटनियन मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं या नहीं। सर काइंडली ना लेक्चर को रिकॉर्ड कर लें साथ। ठीक है, यानी बेसिकली हम इसमें आप इसे हम एक सेंटेंस में कहें तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा जो इवेंट है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो ऑब्जर्वर है, फिर हमारे जो मेयरमेंट्स हैं उनके लिए क्या हम न्यूटनियन मैकेनिक्स से लॉज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। अब ऑब्जर्वेबल जो क्वांटिटीज हैं आपको पता है कि उसमें मेयरमेंट्स जिन क्वांटिटीज का मेयरमेंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, टाइम है या डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या मैस है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है इसके लिए हम कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो तमाम क्या उसमें एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो जिस फर्स्ट लॉ से जो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिन्हें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, और एक से ज़्यादा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह हों, एक से ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह हों कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो फिर मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हैं अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और बाकी जो है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फिर वो भी क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में जो हमारे पास स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइम हमारे पास टी है और स्पेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई जी हैं, और एस डैश में इसी तरह टी डैश एक्स डैश वाई डैश है और जी डैश है। ये कुछ इस तरह है कि जो हमारा फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्रेम एस डैश जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं, हम इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लॉज ऑफ फिजिक्स को हम कैसे या जो हमारे डिफरेंट मेयरमेंट्स की जो मेयरमेंट्स हैं उन्हें आपस में कैसे रिलेट करते हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें दोबारा वही पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसमें देखें जो टाइम है, टाइम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट लिया जाता है न्यूटनियन मैकेनिक्स में। न्यूटनियन मैकेनिक्स में टाइम क्या यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, यानी कि टाइम के जो मेयरमेंट्स है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्या है, सेम है। एस डैश में टाइम टी डैश और फ्रेम रेफरेंस एस में टाइम टी दोनों इक्वल होंगे। किसी भी इवेंट का टाइम बेसिकली क्या है, किसी भी इवेंट का ड्यूरेशन है, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ड्यूरेशन के मेयरमेंट है वो सेम ली जाती है न्यूटनियन मैकेनिक्स में, और बाकी जो रेफरेंसेस एक्सिस हैं उनसे जो लोकेशन है उस इवेंट की वो क्या होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, एक्स डैश अब जो इवेंट है
वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है इन फ्रेम रेफरेंस एस, एस में अगर किसी भी इवेंट की जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स है तो एस डैश में क्या होगी, एक्स माइनस वी टी। ये हम माइनस वी टी क्यों कर रहे हैं, ये क्योंकि उसकी अपनी मूवमेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश की, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। और दूसरा जो वाई एक्सिस है या जी एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है, वो दोनों क्योंकि पैरेलल है, वाई वाई के पैरेलल है और जेड जेड डैश के पैरेलल है, इसलिए उनके अलॉन्ग कोई भी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो ये जो है फ्रेम एस डैश में और फ्रेम एस में जो मेजरमेंट्स हैं उनके आपस में जो रिलेशन है या कन्वर्जन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इन फोर इक्वेशंस की हेल्प से हम कर सकते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इससे फैमिलियर हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हम न्यूटन्स लॉ, जो सेकंड लॉ एक्सप्रेशन, उसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास है क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हम ये देखते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या ये इनवेरिएंट रहता है या नहीं। अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट या कोवेरिएंट ये रहता है या नहीं रहता, तो देखिए फ्रेम एस डैश में क्या हो जाएगा, फ्रेम एस डैश में ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन फ्रेम एस डैश। हाँ, ये सुहेब ने कहा है कि एक्स डैश में वेलोसिटी कम हो रही है, नहीं वेलोसिटी का जिक्र नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं ना, उसके मूवमेंट का। हम यहाँ पे सिर्फ ये एक्स माइनस वी टी जी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना, वी टी भी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डैश डिस्प्लेसमेंट है मेजर्ड इन फ्रेम एस एस डैश, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन फ्रेम एस, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप कह सकते हैं, ये उसका है रिलेशन। तो फ्रेम एस डैश में देखें कि हमारे पास यही न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू डी बाई डी टी डैश पी डैश। अब यहाँ पे हमें पता है कि टी डैश और टी आपस में इक्वल हैं, यानी टाइम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या जो भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सब में टाइम की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो फिर एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी। अब देखें हमारे पास जो ये वही चीज है कि टाइम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या, उसे हम सेम लेते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट लेते हैं। अब हमारे पास जो अभी तक हमने रिलेशन लिया किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, या लोकेशन को मेंशन करने के लिए, पोजीशन को मेंशन करने के लिए, हम बेसिकली चार वेरिएबल्स लेते हैं। एक तो तीन स्पेस के वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, इन्हें हम कह देते हैं कि स्पेशल डायरेक्शन, यानी स्पेशल डायरेक्शंस या स्पेशल, और चौथा हमारे पास क्या है, टाइम डायरेक्शन है। सो न्यूटनियन वर्ल्ड व्यू इज दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ थ्री स्पेशल डायरेक्शंस एंड वन टाइम डायरेक्शन, ये स्पेशल रिलेटेड टू स्पेस। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि टाइम यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, जबकि वेलोसिटीज के बारे में क्या है कि देयर आर नो यूनिवर्सल वेलोसिटीज, यानी न्यूटनियन मैकेनिक्स में कोई भी यूनिवर्सल वेलोसिटीज नहीं है, यानी कि किसी भी चीज की वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि वो डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिलेटिव मोशन पे। जिस तरह आपने देखा ना कि एस डैश मूव कर रहे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो उस पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यू और यू डैश ये वेलोसिटीज हैं किसी भी पार्टिकल की दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, एस में उसकी वेलोसिटी यू है, एस डैश में यू डैश है, तो ये अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि दो ऑब्जर्वर हैं, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो सिंपली यू डैश होगी। आप में से कोई ऑब्जर्वर एस डैश में खड़ा है तो वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है एस डैश में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल
यू डैश होगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है या एस डैश, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि चलती हुई बस है, बस चल रही है तो उसके अंदर कोई इवेंट हो रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बस के अंदर जो बैठा हुआ शख्स है वो तो पार्टिकल की मोशन वेलोसिटी वही मेजर करेगा जो बस के अंदर है, यू डैश। लेकिन जो बस से बाहर बंदा खड़ा हुआ है फ्रेम एस में, वो क्या उसकी स्पीड मेजर करेगा, वो बस की स्पीड प्लस उसकी स्पीड यू डैश। यानी फ्रेम एस में जो ऑब्जर्वर खड़ा है जो वेलोसिटी यू मेजर कर रहा है, तो वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या होगी, यू डैश प्लस वी। ये थोड़ा सा हमने रिलेशन को उल्टा लिखा हुआ है सिंपली। तो जो बस में ऑब्जर्वर है वो वेलोसिटी यू डैश मेजर करेगा, और जो फ्रेम एस में ऑब्जर्वर है वो वेलोसिटी क्या मेजर करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश की अपनी वेलोसिटी वी प्लस बस के अंदर जो बॉल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू डैश। तो यू विल बी इक्वल टू यू डैश प्लस वी, या यू डैश विल बी इक्वल टू यू माइनस वी। ये है न्यूटनियन मैकेनिक्स में। अब आते हैं कि देखते हैं कि क्या वेलोसिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं, या इसी तरह बाकी जो पैरामीटर्स हैं जैसे टाइम है, क्या वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं, जिस तरह न्यूटनियन मैकेनिक्स में कि टाइम यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं, आप लोग इससे फेमिलर हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से, उनमें एक टर्म हम यूज करते हैं सी पैरामीटर यूज करते हैं, और सी पैरामीटर क्या होता है उसे हम यूनिवर्सली कांस्टेंट लेते हैं। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस हैव अ यूनिवर्सल कांस्टेंट सी व्हिच इज इंटरप्रेटेड एज अ स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें मैक्सवेल इक्वेशन में तो उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट लिया जाता है, लेकिन न्यूटनियन मैकेनिक्स में वेलोसिटी को क्या लिया जाता है, कांस्टेंट नहीं लिया जाता, बल्कि वेलोसिटी क्या एक वेरिंग टर्म है। अब दो सूरतें, या तो न्यूटनियन मैकेनिक्स गलत है या फिर मैक्सवेलियन मैकेनिक्स गलत है। तो आइंस्टाइन ने यह कहा था कि मैक्सवेलियन मैकेनिक्स करेक्ट है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं उन तमाम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तमाम इनिशियल ऑब्जर्वर्स में सेम रहेगी। आइंस्टाइन ने यह कहा था कि मैक्सवेल इक्वेशंस में ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी ली गई है ये कांस्टेंट है तमाम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब हम आ जाते हैं आइंस्टाइन की इस थ्योरी पे, जो वेल नोन थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी के लिए दो ही पोस्टुलेट्स डिफाइन किए हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम टू ऑल इनिशियल ऑब्जर्वर्स, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो सेम टू ऑल इनिशियल ऑब्जर्वर्स। यानी लॉज ऑफ फिजिक्स और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहते हैं तमाम इनिशियल ऑब्जर्वर्स के लिए। जी अच्छा, ये यू डैश इज इक्वल, हाँ ये किसी ने क्वेश्चन किया है कि यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी में टाइम क्यों नहीं ले रहे। बेटा टाइम जब करेंगे तो टाइम तो बेसिकली हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए ले, अभी हम इस रिलेशन में यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी में यहाँ सिर्फ वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं क्या वेलोसिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं। अगर इसके साथ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी दो पॉइंट्स के या दो लोकेशन के दरमियान। अब हम ये देखते हैं कि जो फिजिक्स लॉज हैं वो तमाम जो हैं इन दो पोस्टुलेट्स पे जो बेस्ड हैं, जो इनको फुलफिल करेंगे, जो फिजिक्स फॉर्मुलेशन उसे क्या कहेंगे, वो मेरे मतलब ये होता है ना, अगर आप तो जो डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशंस ले रहे हैं, अगर एक में चेंजिंग आ रही है तो दूसरी में साइमल्टेनियसली चेंज होगी, यानी इवेंट्स के दरमियान चेंज होगी, जबकि जो मैथमेटिकल रिलेशंस जो इवेंट को कनेक्ट कर रहा होता है वो है वो अनचेंज्ड रहता है। या आबिद अली को क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या? जी सर। जी सर, ये जो पहला लॉज है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम टू ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर, जी जी, ये क्या बताना चाहता है सर ये हमें? यानी लॉज ऑफ फिजिक्स देखिए ना, तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स में सेमली आप अप्लाई कर सकते हैं, तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इक्वली एप्लीकेबल है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। होता यह है अगर वो इक्वली एप्लीकेबल नहीं है
तो फिर ये होगा, फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई करते हैं किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एफ इज इक्वल टू एम, अब दूसरे में आप इस तरह अप्लाई करते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम में जो है प्रॉब्लम्स की कंडीशंस को रिलेट नहीं कर रहा, आपको प्लस माइनस साथ कुछ और करना पड़ता है, तो फिर फिजिक्स लॉ जो है न्यूटन सेकंड लॉ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, तो वो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल नहीं होगा, नॉन इनर्शियल होगा। ठीक है सर, ये जो हम कहते हैं कि जो मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम अर्थ में देखें या हम स्पेस की बात करें, मोशन इन अर्थ देखें या मोशन इन स्पेस देखें, तो ये उसकी बात कर रहा है कि जो मोशन अर्थ में होगी वही मोशन स्पेस में होगी, या जो मैथ्स अर्थ में होगा वही मैथ्स जो है वो स्पेस में होगा। ये भी कह सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि आप उसमें ये कहते हैं कि आप देखें ना, आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ, तो इसे हम रेस्ट पे लेते हैं ना। जी सर। आप अगर दो गाड़ियां चल रही हैं ना, दो गाड़ियां कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही हैं। जी सर। गाड़ी में कोई इवेंट हो रहा है उसमें आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी जो कांस्टेंट स्पीड बी के साथ चल रही है उसमें भी गाड़ी ए में इवेंट हो रहा है, गाड़ी ए में आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो गाड़ी बी में भी जो मेजरमेंट्स करेंगे वो सेम होंगी जो गाड़ी ए में इवेंट की आप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों विद कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं। ठीक सर। दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो एक दूसरे की वजह से क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। हाँ, अगर दूसरी गाड़ी बी की स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कांस्टेंट नहीं हो रही, तो लाजमी बात है आपको कुछ ना कुछ फैक्टर प्लस माइनस करना पड़ता है, मेजरमेंट्स को इक्वल करने के लिए आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। ए में मेजरमेंट्स कुछ और होंगी, बी की वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, तो ए वाले इवेंट की जब मेजरमेंट्स आप करेंगे बी में बैठ के, तो आपको अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी बस की स्पीड को भी ऐड अप करना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो दोनों में फिर सेम लॉज यूज नहीं होंगे, आपको दोनों में दोनों बसों में सेम फिजिक्स लॉ यूज करने के लिए प्लस माइनस करना पड़ता है। सर इसमें जब हम बात अर्थ की करते हैं सर, जी जी, अगर हम देखते हैं इस अर्थ को, अगर हम सरसरी देखते हैं तो ये अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इसको हम अगर गौर से देखें तो ये नॉन इनर्शियल होगी। हाँ, अर्थ से बाहर जाएंगे किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसमें दोनों सर, ये इसमें दोनों लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे अब? नहीं, अर्थ से बाहर जाएंगे ना, फिर आपके लिए ये नॉन इनर्शियल हो सकता है ना। अर्थ से बाहर सर किस तरह, कैसे ये? फिर भी आप अर्थ से बाहर जाके देखेंगे ना, तो अर्थ से किसी भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हो जाते हैं, आप चांद पे खड़े हो जाएं, तो अर्थ की स्पीड फिर भी कांस्टेंट ही रहेगी, फिर आपका चांद जो है वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा ना। सर ये इस तरह है ना, ये अर्थ हमारी जो अर्थ है वो ये रोटेट भी करती है और कभी कभी ये फिरकी भी लगाती है, जैसे ये हम स्प्रिंग को इस तरह मरोड़ के पे छोड़ देते हैं तो वो पीछे जो है, इस तरह हमारी अर्थ तो एट अ टाइम दो काम कर रही है। नहीं, लेकिन जो चीजें हैं वो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं ना। जी सर, कांस्टेंट हैं, उनमें वेरिएशन नहीं होती। ठीक सर। एक सेकंड भी आपकी अर्थ रुक जाए ना तो क्यामत आ जाएगी, हर चीज अपनी जगह से हिल जाएगी। जी सर। तो ये कि एक सेकंड के लिए जमीन रुक जाएगी बस, ऑर्बिटल मोशन इसकी एक सेकंड के लिए रुक जाएगी बस, हर चीज मिलीमीटर हो जाएगी। सही सर। चलें आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखें कि जो जो स्पीड ऑफ लाइट है जिसे हम सी से मेंशन कर रहे हैं, सी जिसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, सेम है इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो जब हम सेम लेते हैं जिस तरह आइंस्टाइन ने कहा है, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के आपस में कन्वर्जन के लिए, या वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम एज अ कन्वर्जन फैक्टर यूज कर सकते हैं जब स्पेस और टाइम के मेजरमेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह जो सी डी टी है, आप अगर आप लेते हैं सी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, डी टी आपका टाइम इंटरवल है, इज द टाइम इंटरवल मेजर इन द सेम यूनिट्स एंड यूज टू मेजर द स्पेस यूनिट्स। अब स्पेस यूनिट्स के लिए हम सी मल्टीप्लाई बाई डी लेते हैं ना, ये आपका डिस्टेंस आ जाता है, और ऐसे यूनिट्स में इसकी क्या होती है डायमेंशन, मीटर में हम लेते हैं। तो ये बेसिकली हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज कर सकते हैं एज ए कन्वर्जन फैक्टर। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेस और टाइम को
एक ही सिंगल एंटिटी में ले सकते हैं और उसे कहते हैं स्पेस टाइम, सिंगल एंटिटी स्पेस और टाइम, स्पेस टाइम दो अलग अलग एंटिटीज को स्पेस और टाइम को मिला कर हम लिख सकते हैं। अब स्पेस टाइम जो आइडेंटिटी है ये बेसिकली स्पेस टाइम एक अलग एक इंडिविजुअल टर्म हम यूज कर रहे हैं स्पेस टाइम, स्पेस और टाइम को मिला के। तो स्पेस टाइम जो है ये बेसिकली क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क है जिसमें हम तमाम फिजिक्स को चेक करेंगे कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में जो फिजिक्स लॉज हैं क्या वो एप्लीकेबल हैं या नहीं, या किस किन कंडीशन में एप्लीकेबल हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेपरेशन है किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हम बेसिकली सेपरेशन क्या होता है, हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ले रहे होते हैं ना, डिस्टेंस ले रहे होते हैं। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन द स्पेस टाइम, अगर उसे हम डेल स्क्वायर ले रहे हैं बिटवीन टू इवेंट्स ए एंड बी, देन दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम इंटरवल स्क्वायर माइनस स्पेस इंटरवल स्क्वायर। अब ये देखें ये टाइम इंटरवल के साथ जो आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं माइनस स्पेस इंटरवल, यानी टाइम के साथ जब वो मूव कर रहा है माइनस सेकेंड लोकेशन पे स्पेस इंटरवल आप ले रहे हैं, तो आपके पास टोटल डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। दो इवेंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम इस फॉर्म में हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें अगर इस सूरत में स्पेस टाइम में अगर आप किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहें, किसी सिंगल पॉइंट, जिस तरह हम कहते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लोकेशन है पॉइंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो स्पेस टाइम में क्या होगा, पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेस टाइम में जो है पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द थ्री स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, तीन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है, ये टाइम की वैल्यू है, यानी बेसिकली तीन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं और एक टाइम की वैल्यू है स्पेस टाइम में। किसी भी पॉइंट को बताने के लिए आपको टाइम भी बताना पड़ेगा और साथ ही तीन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। द यूजुअल कन्वेंशन टू रेफर सच स्पेस टाइम पॉइंट इज नोन एज इवेंट। तो फिर इवेंट क्या होगा, द टर्म इवेंट इज यूज बिकॉज सच अ पॉइंट हैज डेफिनेट लोकेशन एंड डेफिनेट टाइम। ये याद रखें इवेंट हम जनरली यूज करते हैं, इवेंट टर्म कब यूज करते हैं, इवेंट टर्म के लिए बुनियादी तौर पे उसकी लोकेशन भी फिक्स होती है इवेंट की, यानी कोई भी वकूअ जो वाकया हो रहा होता है उसकी लोकेशन भी फिक्स होती है और फिक्स्ड टाइम पे हो रहा होता है, यानी उसकी डेफिनेट लोकेशन होती है और डेफिनेट टाइम होता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी में। जी सर, ये जो दो इवेंट के दरमियान जो टाइम होता है उसी को हम स्पेस टाइम कहेंगे? नहीं, स्पेस टाइम, हाँ टाइम तो उसी को आप कहेंगे, टाइम उसको कह सकते हैं फिक्स टाइम को, लेकिन स्पेस टाइम तो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, स्पेस मतलब सर जी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम दोनों मिलके डिफाइन करेंगे किसी इवेंट को। सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर उस स्पेस टाइम की क्या डेफिनेशन है सर? स्पेस टाइम बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम वैल्यू, यानी तो हमारे पास कुल चार चीजें आप कह सकते हैं, तीन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स स्पेस से रिलेटेड तीन, और चौथा क्या हमारे पास टाइम है, और ये मिलकर डिफाइन करेंगे किसी भी पॉइंट को, ठीक है, या उसको टोटली हम इकट्ठा कह सकते हैं एन इवेंट। इस तरह लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में हमने बताया हुआ है, एन इवेंट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस टाइम। अब हमारे पास जो है जो इसके साइंस होंगे डेल स्क्वायर सी डी एस स्क्वायर के, ऑल साइन चाइस मेक्स डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास दोनों सूरतों में बराबर है राइट सेंटर साइड पे। अगर डी स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरह है कि डी एस स्क्वायर डी एस होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी, तभी डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डी एस स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव होगा अगर ये स्पेस इंटरवल टर्म क्या हमारे पास ये लार्जर है कम्पेयर टू फर्स्ट टर्म। तो अब अगर डी एस स्क्वायर पॉजिटिव है देन इंटरवल इज कॉल्ड टाइम लाइक होगा, यानी आप जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे टाइम लाइक के तौर पर, और अगर डी एस स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है देन इंटरवल इज कॉल्ड स्पेस लाइक।
और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर वो कहलाएगा लाइट लाइक या फिर नल इंटरवल। ये तीन सूरतें हमारे पास पॉसिबल हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन द लिमिट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन फोर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टी स्क्वायर माइनस सो वन। ये स्पेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा स्पेस इंटरवल। ये आप तीनों कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना, डी एस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ होता है, लेकिन हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आपके पास हर एक का इंडिविजुअल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इस तरह आप यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सिंस द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स ऑफ स्पेस टाइम इज ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, सो ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स मेजर कोऑर्डिनेट्स दैट प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ इंटरवल स्क्वायर डी एस स्क्वायर। अब अगर हमारे पास एस और एस डैश आर टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स, देन डी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी एस स्क्वायर। यानी बेसिकली ये इनवेरिएंट रहेगी, दोनों में जो हमारे पास मेजरमेंट्स है इंटरवल स्क्वायर की, क्योंकि जो भी साइन इसमें आप लेंगे वो प्लस डी एस स्क्वायर आप ले रहे हो तो इसमें वो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी जिसके रिलेटिव आप लेते हैं। सो डी एस स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द इनवेरिएंट स्पेस टाइम इंटरवल। द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स इन एस एंड दोज इन एस डैश must involve the relative velocity between the frames in both the space and the time parts. yani apne relative velocity ko yahan pe consider karna hai ki relative velocity kya hogi. the time coordinate can no longer stand independent of the transformation. to yahan pe badi aham baat hai ki jo time coordinate hai phir wo kya rahega, wo independent nahi rahega transformation ke dauran. dekhiye kyunki वेलोसिटी क्या आप ले रहे हैं, आपने जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम और वेलोसिटी का वो आपके पास अगर वो कांस्टेंट है तो फिर आपकी जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, या आप कह सकते हैं कि टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट के तौर पर हम नहीं लेंगे। दिस मीन्स द रिलेटिव स्प्लिटिंग ऑफ स्पेस टाइम, अब अगर इसे स्प्लिट करते हैं स्पेस और टाइम दोनों डिफरेंट इन मेजरमेंट्स में कंपोनेंट्स में विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, क्योंकि टाइम यह वो कांस्टेंट नहीं है, जब स्पेस टाइम का आप स्प्लिट करेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो फिर क्या होगा, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सिंस द टाइम मेजर्ड इन अ लेबोरेटरी फ्रेम वो कुछ डिफरेंट होगा कंपेयर टू टाइम मेजर्ड